तो हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम लोग? मैं हूँ तुम्हारा भाई लॉर्ड। इधर अरिजीत सिंह रेट्रो रिएक्शन के एपिसोड 15 में तुम सभी लोगों को स्वागत है। इधर एक भाई ने रिसेंटली मेरे को 10 गाना सजेस्ट किया था, जो कि बहुत ही अंडररेटेड लिस्ट के अंदर ये सब गाना आता है। बाकी तुम लोग ये लिस्ट के अंदर कौन सा गाना सुने हो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो चलते हुए आज हम रिएक्शन देंगे हैप्पी एंडिंग से जैसे मेरा तू गाना के ऊपर। तो चलो चलते गाना पे, गाना सुनते उसके बाद बाकी बात करते हैं। तब तक के लिए चैनल पे नया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए। 2015 का गाना है, 8 साल पुराना, 3 मिनट 38 सेकंड्स का गाना है। क्लेस को महर 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 चांद साउंड थोड़ा चॉपी टाइप सा है, मतलब ऐसा दवाया टाइप सा है। ऑटो ट्यून जैसे मेरा तू। आहा, कितना साल बाद सुना ये गाना। इलेना इलेना या इलाइना क्या होता है? इसका बीट्स बहुत शानदार है। फोटो लेना चाहिए ना? ऑफ कोर्स, पटेल वैल्यू। जैसे मेरा जैसे मेरा ये जगह टू 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 बोला ना, इसका बीट्स बहुत शानदार है। इधर इलेक्ट्रो आएगा, टा 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 ऐसे तेरा मैं, ये जैसे मेरा तू, ऐसे मेरा मैं, जैसे मेरा तू। क्या बात यार, ये फिल्मी में भी शायद मैं देखा था, हैप्पी एंडिंग याद नहीं है। नाइस सॉन्ग मैन, नाइस सॉन्ग। कहा यार 8 साल और कहा अभी 8 साल बाद। फर्क ना मेरे को ज्यादा नहीं लगता इनका वॉइस में, टू बी फ्रैंक। एक जो चार्मिंग ट्यून है ना वो हर एक गाना में मिलता है। बाकी मेरे को याद है मेरा एक एल्डर ब्रदर था, उनका घर में जब मैं गेम खेलने जाता था तो उनको ये गाना बहुत ही पसंद था। उनका होम थिएटर में उनका पीसी चला तो ये गाना तो बजेगा ही, तो तब ये गाना बहुत ही सुनता था मैं। बाकी टाइम निकल गया, जेनरेशन निकल गया, लोग अभी बहुत ज्यादा तो ये सब पुराना गाना नहीं सुनते, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। जेनरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से लोगों को अभी थोड़ा हिप हॉप चाहिए, थोड़ा आइटम सॉन्ग चाहिए। यार ये मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग देखो जितना भी गाना अभी के टाइम में आता है ना, सब
यार 150, 200, 250 मिलियन पार। बट पुराना ये सब गाना देखो 8-10 मैक्सिमम 50, इससे ऊपर तो तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिले भी तो बहुत ही रेयर। आई डोंट नो यार, लोग क्यों ढूंढते भी नहीं ये सब गाना को, ये सब मास्टरपीस को। बाकी यार तुम लोगों के अंदर जिन लोग मेरे को ये सब गाना सजेस्ट करते हो यार, तुम लोगों को सलूट। तुम लोग अभी भी ये सब गाना को जिंदा रखे हो के लिए ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू यू गाइस। बाकी बात करो ये गाना को लेके, ये गाना का म्यूजिक स्पेशली सचिन जिगर, दे आर अनमैचेबल। उनका म्यूजिक तुमको एक अलग ही डायमेंशन में लेके चलता है, और जो म्यूजिक के साथ अरिजीत दा का वॉइस है वो तो ब्रो हेवन है, हेवन। मतलब ये सब गाना बहुत दिनों से नॉस्टैल्जिया को कैरी करते आ रहा है, और आई थिंक अगला 50 साल में भी जाके ये सब गाना पुराना नहीं होगा। स्पेशली मैं अरिजीत दा का गाना का बात कर रहा हूँ। और जैसा मैं लास्ट एक वीडियोस में मैं भी शायद बोला था कि उनका गाना हम लोग जितना बार रिपीट मोड में सुनते हैं ना, उतना बार ही गाना हम लोग को नया लगता है। मतलब ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग रिपीट मोड में सुन रहे हैं। तो यार मैजिक है और क्या है मेरे को तो मालूम नहीं, बट स्टिल यार ये सब गाना सुनकर नॉस्टैल्जिया वो हार्ड हिट करता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोगों को ये गाना कैसा लगा, और ये गाना का कौन सा पोर्शन तुम लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट है, मेरे को टाइम से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं तुम लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लेना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी एकदम उधर ही मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।